मैं आपको बताना चाहता हूं कि 19 जनवरी के बाद जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 का था, जो नोटिफाइड हुआ था प्रेसिडेंट के दस्तखत के बाद जनवरी 2004 में, उसके बारे में डिटेल्ड हमने दोनों हाउस का, लोकसभा का, विधानसभा सॉरी राज्यसभा का, और उसके साथ साथ क्या प्रस्ताव था और क्या जो कमिटी रहती है, जो होम वाला जो देखता है वहां का स्टैंडिंग कमिटी, उसमें कौन कौन लोग थे और उसमें कितनी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में किन्होंने क्या कहा, ये सारी बात है। और वो चीज उसमें एक तो एनआरसी की बात है और दूसरी बात थी कि जो हमारे बाहर जो सिटीजन्स रहते हैं उनकी सुविधा के लिए बातचीत थी, तो उसको लेकर के सर्वसम्मति से पारित हुआ है भाई। और इसके जो चेयरमैन थे, आप जान लीजिए, इसके जो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स, उस समय इसके होम अफेयर्स के स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन राज्यसभा से होते हैं, जब से हुआ है। नहीं, जरा एक मिनट सुना देना चाहते हैं भाई, एक मिनट जरा काइंडली, ये आपको कोई नुकसान नहीं देने वाला है, खाली फैक्ट आप लोग चूंकि बोल रहे हैं हम बता रहे हैं, चूंकि भाई एक एक चीज को हमने 19 के बाद देखा है, सारा डॉक्यूमेंट बना करके, सबका भाषण, सबका स्टेटमेंट, सब कुछ पढ़ा है हमने, खूब मोटा डॉक्यूमेंट बनाए, कहिएगा तो हम उस सब डॉक्यूमेंट का कॉपी लेकर के आप लोगों को भी दे दें ताकि आप लोग भी पढ़ लीजिए लोकसभा विधान राज्यसभा में। अब उसके देखिए चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन थे प्रणब मुखर्जी साहब, मेंबर्स कौन थे राज्यसभा के, कपिल सिब्बल साहब, हंसराज भारद्वाज जी, मोतीलाल वोरा जी, अंबिका सोनी जी, बीपी सिंघल जी, जनेश्वर मिश्रा जी, वी मैत्रेयन जी, श्री लालू प्रसाद जी, द्रुपद बारगोहिन जी, राम जेठमलानी जी, प्रमोद महाजन जी, अब कई लोग नहीं हैं, श्री ए विजय गर्भन जी, एल एम सिंघवी जी, और अगर आप लोग, इसमें तो काफी नाम है लोकसभा का, कितना नाम आपको पढ़ करके सुनावे, 15 से लेकर के 44 नंबर तक नाम हम आप बता रहे हैं, खाली एक मिनट को सुन ले हम, दो तीन मिनट है, बात सुविधा देगी। अरे ये सब किसी के खिलाफ बात नहीं है, ये जानकारी है, बैठिए ना, हम बता देते हैं, तो क्यों आप फिर कुछ पूछिएगा तो उसके बारे में भी हम बोलेंगे, खाली एक बार सुन लीजिए, ये सब चीज पर हुआ और ये इन लोगों ने पारित करके दिया अमेंडमेंट, ये जो कुछ भी था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में सर्वसम्मति से लोगों ने दिया, और जब पास हुआ सबसे पहले राज्यसभा में आया, राज्यसभा में जब आया तो राज्यसभा में दो ही लोग बोले, और कौन बोले, उस समय नेता विरोधी दल जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अब मनमोहन सिंह जी का भाषण सुनिए, वी आर फुल्ली इन सपोर्ट ऑफ दिस मेजर, व्हाइल आई एम ऑन दिस सब्जेक्ट मैडम आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्यूजीज आफ्टर द पार्टीशन ऑफ आवर कंट्री। The minorities in countries like Bangladesh have faced persecution. Manmohan Singh ji bol rahe hain. The minorities in countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people, to seek refuge in our country, our approach to granting citizenship to these unfortunate persons shall be more liberal. I sincerely hope that the Honorable Deputy Prime Minister will bear this in mind in charting out the future course of action with regard to Citizenship Act. Or
डिप्टी चेयरमैन हेपतुल्ला साहिबा थी, उन्होंने कहा, मिस्टर अडवाणी, द माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान आर ऑल्सो सफरिंग, दे हैव टू बी टेकन केयर ऑफ टू। और इसके बाद अडवाणी जी ने क्या कहा, इसके बाद एलके अडवाणी जी ने कहा, देखिए भाई हम पढ़ रहे हैं, वही प्रोसीडिंग है, एग्जैक्ट कोट अनकोट, और सबकी सुविधा के लिए उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ देंगे। श्री एलके अडवाणी, मैडम मतलब डिप्टी चेयरमैन मैडम थी, आई फुल्ली इंडोर्स दैट व्यू, ये अडवाणी जी ने कहा। और सुन लीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में कहा था, हम लोग सरकार के इस कदम के पूर्ण समर्थन में हैं, इस विषय पर चर्चा के दौरान मैं शरणार्थियों के साथ किए गए बर्ताव पर कुछ कहना चाहता हूं। देश के विभाजन के बाद बांग्लादेश जैसे देशों में अल्पसंख्यकों ने उत्पीड़न सहा, यह हमारा नैतिक दायित्व है कि यदि परिस्थितियां इन बदकिस्मत लोगों को हमारे देश में शरण लेने के लिए बाध्य करती है, तो इन बदकिस्मतों को नागरिकता देने में हमें उदार होना चाहिए। मैं आशा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी इनके विषय के बारे में फैसला लेते वक्त इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद उपसभापति, वो कौन थी ये भी जानना चाहिए आप लोगों को, उस समय कांग्रेस में ही थी, श्रीमती नजमा हेपतुल्ला द्वारा अडवाणी जी को कहा गया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक भी पीड़ित हैं, उनका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। उप प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इन बातों से पूर्ण सहमत हूं। अब आप सोच लीजिए, अब लोकसभा में जब ये गया राज्यसभा से पास होकर के, तो तीन आदमी बोले हैं, उसमें बोले हैं प्रियरंजन दास मुंशी जी, आई थैंक द गवर्नमेंट फॉर ब्रिंगिंग फॉरवर्ड दिस बिल, आई हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दैट दिस बिल वुड कंट्रीब्यूट टू टेक इंडिया टू अ ग्रेटर हाइट इन टर्म्स ऑफ आवर इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट। साथ ही श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा था एनआरआई को दोहरी नागरिकता की सहूलियत देने की बात हो रही है, वह बिल्कुल ठीक है, इस बिल को पारित कर देना चाहिए। अब यह बिल पारित, अब बताइए, उसी में है एनआरसी। भाई एनआरसी, हम सब 19 तारीख के बाद हम सब पढ़े, भाई एनआरसी का तारे सुनिए ना, काहे के लिए आप बोल रहे हैं, आप रहिएगा कांग्रेस में, आप कहां निकल करके जाइएगा इसका गारंटी है, आप कांग्रेस में कंटेस्ट करने जा रहे हैं, आप काहे के लिए बोल रहे हैं बीच-बीच में आप बिना मतलब का। तो कहने का मतलब कि हमने 19 के बाद एक एक चीज को देखा है, और तब भी मेरी राय है कि एनआरसी नहीं होना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और ये खतरा सही है कि अगर एनपीआर में नए जो उसमें दिए गए हैं तत्व, अगर उसको रखा गया, तो इससे कभी अगर भविष्य में एनआरसी होगा तो उन लोगों को खतरा उत्पन्न होगा, इसलिए एनआरसी होना चाहिए। और एनपीआर का जहां तक सवाल है, 2010 का ही जो प्रावधान है उसी को करना चाहिए, इसलिए हम कह रहे हैं। और हम आपको सिर्फ इसलिए सुना दिए थे कि ये जो नया सीएए आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बना है, और इसमें जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो माइनॉरिटी वाली बात कही गई, और ये जो नया अमेंडमेंट एक्ट लोकसभा राज्यसभा ने पारित किया, ये सेंट्रल एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन की चीज है, गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, फैसला सुप्रीम कोर्ट से होगा कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए कृपा करके जो नया अमेंडमेंट, हालांकि नया अमेंडमेंट हुआ है, हम सिर्फ आपको याद करा देना चाहते थे कि क्या राय थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का,
जो 10 साल देश के प्रधानमंत्री उसके बाद रहे हैं। इसलिए इस बात पर ज्यादा ज्यादा समाज में ज्यादा हम आग्रह करेंगे विनम्रता पूर्वक कि ज्यादा समाज में अनावश्यक रूप से विवाद नहीं पैदा किया जाए।